तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये यात्रा अलवर होती हुई हरियाणा में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा 19 दिसंबर को अलवर सीमा में प्रवेश करेगी, जहां पर अलवर कांग्रेस कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं 19 तारीख को मालाखेड़ा में राहुल गांधी की सभा भी रखी गई है। देखिए क्या है अलवर का दो दिनों का रूट चार्ट इस रिपोर्ट के जरिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। अलवर में जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी तो उसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कंधों पर है। भारत जोड़ो यात्रा दौसा जिले के बसवा से अलवर सीमा में 19 दिसंबर को प्रवेश करेगी। यहां से राहुल गांधी मालाखेड़ा पहुंचेंगे, जहां वो सभा को संबोधित करेंगे। करीब 42 डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। 30 बीघा जमीन को समतल कर खेतों में सभा स्थल तैयार किया जा रहा है। यहां सभा में करीब 4,00,000 लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। 19 तारीख को वो अलवर के सुरेर में यहां पर प्रवेश करेंगे, उसके बाद यहां मालाखेड़ा में यहां पर एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा दावा किया जा रहा है कि यहां पर 4,00,000 लोगों के पहुंचने का ऐसा दावा किया जा रहा है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सभा स्थल सहित पूरे रूट का मुआयना कर चुके हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी लगातार एक एक व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। ने ये प्रयास किया है कि अलग अलग बहुत सारे लोग जो सामने आ रहे हैं, कुछ समाज के लोग आ रहे हैं, अलग अलग हमारे स्पोर्ट्स के भी साथी आना चाहते हैं, स्कूल के भी बच्चे उनका स्वागत करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कुछ जगहों पर स्टेजेस बनाएंगे और स्टेजों के अंदर हमारी जो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं उन सबों से हम बैठ के बात कर रहे हैं कि वो उनका भी कोई कार्यक्रम हो। जिस रूट से राहुल गांधी अलवर में पैदल गुजरेंगे उस रास्ते को विशेष रूप से चमकाया जा रहा है। यहाँ डिवाइडर की रेलिंग पर पेंट का काम चल रहा है तो सड़कों को रिपेयर किया जा रहा है। वहीं रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को भी हटाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया सभा की तैयारियों को लेकर 20 कमेटियों का गठन किया गया, जिसमें सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अब गांव-गांव प्रचार रथों को रवाना किया जा रहा है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सभा में आने का निमंत्रण दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए अलवर ग्रामीण विधानसभा के लिए प्रचार रथ को रवाना किया गया है। राष्ट्रगान के साथ इसको झंडी दिखा के रवाना किया है आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, और ये रथ अलवर ग्रामीण विधानसभा के सभी क्षेत्रों के अंदर दौड़ेगा और आने वाले समय में अभी हम अलवर शहर में और पूरे अलवर जिले के अंदर इस प्रकार के रथ रवाना करेंगे। 20 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुबह करीब 6 बजे कटी घाटी से शुरू होगी। यात्रा शहर से होते हुए रामगढ़ रोड पर लोहिया का तिबारा पहुंचेगी, जहां मोदीगढ़ में उनके भोजन की व्यवस्था रहेगी। इसके बाद राहुल गांधी बगड़ का तिराहे तक गाड़ी में जाएंगे, वहां से रामगढ़ तक राहुल गांधी पैदल यात्रा करेंगे। यहां नुक्कड़ सभा होगी, उसके बाद राहुल गांधी बीजवा पहुंचेंगे, जहां उनका रात्रि विश्राम रहेगा। 21 दिसंबर को सुबह बीजवा से अलसुबह करीब 8 किलोमीटर का सफर तय कर हरियाणा बॉर्डर गांव मोंदुका पहुंचेंगे, जहां सुबह 6 बजे हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह जुट गई है। कांग्रेसी नेताओं के दावों के अलावा कितनी भीड़ सभा में आएगी ये तो सभा वाले दिन ही पता चलेगा। ग्रामीणों का भी और स्थानीय लोगों का दावा किया जा रहा है कि इस सभा में लगभग 2,00,000 से ज्यादा यहां पर भीड़ जुटने वाली है। यह सभा 19 दिसंबर को अलवर में मालाखेड़ा क्षेत्र में होने वाली है। इसके बाद राहुल गांधी रोड शो के जरिए अलवर शहर में गुजरेंगे, जहां से शहर में रोड शो के बाद वो रामगढ़ की तरफ निकलेंगे। रामगढ़ के बाद में हरियाणा बॉर्डर में वो सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। 2 दिनों तक राहुल गांधी इस क्षेत्र में रहने वाले हैं। 2 दिनों का रात्रि विश्राम उनका अलवर में रहने वाला है। कैमरा मैन अंकुर के साथ जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।